सब है, पानी भी है, सड़क भी है और लाइट भी है, सब है, सब सब मामले हल किए उन्होंने, जो जो बोला उन्होंने हल किया है। बहुत से ऐसे नगर सेवक है जो फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन ये एक ऐसा नगर सेवक है कि जो हमेशा फ़ोन करो तो हमेशा फ़ोन उठाता है, और उसका खुद फ़ोन आता है और खुद आता है मिलने, और खुद खड़े रह के खुद काम करता है। ये एक नगर सेवक ऐसा देखा हूँ जो खुद मेहनत करता है, समझे, और हमेशा फ़ोन उठाता है। इसकी ये बहुत बड़ी अच्छी आदत है और बहुत अच्छा आदमी है ये, ना समाज सेवक में नंबर वन है कमरुल लूजा। ठीक है, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स जो का मौजूद है ग्रीन पार्क में। पहले ग्रीन पार्क में दाखिल होने से पहले सोचना पड़ता था, रास्ते बहुत ख़राब थे, लेकिन अब पूरी कॉन्क्रीट पक्की सड़क मेन रोड तक बन चुकी है। पीछे आप कॉलोनी देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ के जिम्मेदारों से बात की है, सबका यही कहना है कि भाई नगर सेवक तो बहुत आए, समाज सेवक बहुत आए, हम अगर कोई उनसे रब्ता करता है, आज भी इस तरह के लोग मौजूद हैं तो फ़ोन उठाते नहीं है, अगर बाद में उनके पीए उठाते हैं तो भाई बिजी है, भाई अभी नहीं है। लेकिन यहाँ मामला ऐसा है कि समाज सेवक कमरुद्दीन शेख को जब जब कॉन्टेक्ट किया जाता है, अगर मसरूफ है तो बाद में कॉल बैक ज़रूर करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, लोगों से पर्सनली तौर पर मिलने भी आते हैं, और जो भी इशूज़ हमने खुद देखा है और यहाँ के अभी बुजुर्गों ने बताया कि खड़े होकर वो जो मसाइल उनका काम कराते हैं, यहाँ का पानी का मसला, लाइट का मसला, ये जो सड़क आप देख रहे हैं पक्की सड़क, ये तमाम इन तमाम इश्यूज़ पर उन्होंने बहुत ही वक्त रहते काम किया और अच्छे अंदाज में उन्होंने काम किया है। लोग उनके अखलाक से भी, उनके बर्ताव से भी काफ़ी खुश हैं। लोगों का ये मानना है कि वो बात ज़्यादा नहीं करते हैं लेकिन काम ज़्यादा करते हैं, काम यकीन रखते हैं। तो ये मेरे पीछे जो भी लोग खड़े हैं यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, इन सब की एक ही राय है कि भाई अभी तो फिलहाल वो समाज सेवक हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो उन्हें नगर सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें भारी अक्सर से कामयाब करने की मन इन सब लोगों ने यहाँ पर बना लिया है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स। ग्रीन पार्क से आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। सुलेमान चाचा, ये बताएं कि अब टीएमसी का चुनाव, अगला चुनाव करीब आ चुका है। हाँ बोलिए। जाहिर सी बात है, 5 साल का अरसा गुजरा। हाँ। तो अलग अलग वार्ड में जो उनके नगर सेवक वहाँ के हैं, उन्होंने क्या काम किया है, उसी पे हमारा चैनल काम कर रहा है, हमारा वार्ड, हमारे मसाइल। तो आपके इश्यूज कहाँ तक, आप ग्रीन पार्क में रहते हैं, आपके जो समाज सेवक हैं कमरुद्दीन शेख, उन्होंने कहाँ तक आपके जो इश्यूज थे, जो मसाइल थे, हल किया है? उन्होंने बहुत कुछ, जो भी बोला है सब मसाइल हल किया उन्होंने, हमने जो भी उनसे मांगा वो किए उन्होंने। जैसे सड़क का मामला, हाँ, पानी का मामला, पानी का मामला, हाँ, सारे मामले उन्होंने हल किए, सब है, पानी भी है, सड़क भी है और लाइट भी है, सब है, सब सब मामले हल किए उन्होंने, जो जो बोला उन्होंने हल किया है। अच्छा, ये बताएं कि अब जो चुनाव आ रहा है, अभी तो उनकी बीवी है हाजरा शेख जो है वो नगर सेविका है, इस बार उनको मौका मिल रहा है, तो आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे ना, सपोर्ट जरूर करेंगे, जो काम करेगा उसका सपोर्ट ही करेंगे ना भाई, है क्या नहीं। हाँ, इब्राहिम खान साहब, ये बताएं कि कमरुद्दीन शेख के बारे में हमारा ये, हमारी जो चैनल है वो सर्वे कर रहा है कि वो अपने कामों में कहाँ तक कामयाब है। हाँ। जैसे इम्तिहान होता है साल में एक बार स्कूल में, नगर सेवक इम्तिहान 5 साल में एक बार होता है, तो उनका जो रिपोर्ट कार्ड है कितना परसेंट देंगे उनके काम के लिए? इनका परसेंट ये कि अभी तक नगर सेवक देखे, हम गए बहुत से नगर सेवक पे, कभी भी मतलब सुना ही नहीं हुई, और इनके पास जब भी गए तो 99% कोशिश किया और जितना हो सका उन्होंने काम किया। ये बगल में टीएमसी की जीपी 4 बिल्डिंग है, आगे चाल है और दूध का भैंस का बाड़ा है, वहाँ पानी का बहुत दिक्कत था, ये बेचारे बहुत कोशिश किए, मन से कोशिश किए और बहुत तकलीफ से पूरा पूरा पाइप वहाँ तक लाए, जीपी की लाश तक, पहाड़ी तक का पाइप लेके आए। अब पानी का इतना आराम हो गया, इतना टेंशन, औरत बच्चे सब परेशान थे, सब कहाँ कहाँ से पानी, अभी तक कोई नहीं सुनने वाला था, मगर उन्होंने जब भी गया ऑफिस पे बिठाया, इज्जत से बात किया, चाय पानी, ठंडा पानी पिलाया, जब भी जाते किसी भी काम के लिए तो अच्छे से बात करते। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको और कामयाब करे, उनकी बीवी जो आई है। इसी सवाल पे आने वाला था, आपने जवाब खुद दे दिया। हाँ, कि अभी जैसे उनको मौका मिल रहा है। हाँ, हाँ। इलेक्शन लड़ेंगे तो आप लोग उनकी भी, मतलब पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, और हमारा इलेक्शन कार्ड का जो है ना, हमारा आई कार्ड जो है बनने को दिया, मगर अभी तक बन नहीं रहा है, बार बार कैंसिल हो रहा, बेचारे कोशिश कर रहे हो, तो हम ये चाह रहे कि पूरे एरिया के 4-5 बिल्डिंग के कम से कम 1500-2000 वोटिंग कार्ड है, वो बन जाएंगे तो और भी उनको फायदा होगा, तो वो बना ले, अभी वक्त कम रह गया। नाज़रीन, हमारे साथ और कुछ नौजवान यहाँ जुड़े हुए हैं, अभी हमारे सामने अलाउद्दीन भाई खड़े हैं, मंजूर भाई खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। मंजूर, बताएं कि आपके पीछे जो कॉलोनी नज़र आ रही है ग्रीन पार्क, और ये पूरा इलाका मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा, ये कंक्रीट पक्का रोड जो है ये मेन रोड तक जाकर टच हो जाता है, तो ये बताएं कि कहाँ तक आपको लगता है कि आपके नगर सेवक ने काम किया? नहीं नहीं, हम लोग को तो जहाँ तक लग रहा है कि भाई पूरा पूरा कोशिश किए हैं और 80-90% उन्होंने काम किया है पूरा अभी तक, हम लोग के जहाँ तक पहले नगर सेवक के मुकाबले इनका काम बहुत ही अच्छा है। तो अब इलेक्शन में उनको अगर मौका मिल रहा है तो मतलब सपोर्ट करेंगे आप लोग उनको? इंशाल्लाह जरूर सपोर्ट करेंगे जी। अलाउद्दीन भाई, आप भी यंग हैं, युवा हैं, और आपके जो समाज सेवक है वो भी युवा हैं, आपके इलाके में उन्होंने युवा बना दिया,
बिल्कुल आगे क्या चाहते हैं कि और भी इसी तरह से आपका इलाका चमके, जो इश्यूज रह गए वो भी काम हो? बिल्कुल। तो उसके लिए कमूदा शेख अगर मौका मिल रहा है, आप उनको सपोर्ट करेंगे आप लोग? जी जी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और यहाँ के लोग भी, हमारे सबसे बड़ा मसला तो यहाँ के रोड का था, जो बारिश में हमेशा पानी भर जाता था, और अभी पानी का मसला नहीं रहेगा शायद। यहाँ घुटनों तक कभी कभी पानी लग जाता था, अभी ये रोड बन गया है तो हम लोगों को आने जाने में मेन रोड से कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। उनकी खबरें आती भी रहती हैं, हम भी चलाते हैं और भी चैनल्स आती हैं, आधी रात हो या दोपहर का वक्त हो, हम देखते हैं कि कमूदा शेख अपने काम को लेके खड़े पाए जाते हैं जी। अगर जैसे भी और भी हमने इलाकों में जाके बात की है, उन्होंने कहा कि एक फ़ोन करो अगर बिजी है, लेकिन बाद में कॉल बैक जरूर करते हैं, आते जरूर है, खुद पर्सनल इंटरेस्ट है, बिल्कुल काम करो। बिल्कुल जी जी आते हैं, खुद आते हैं, ये नहीं कि दूसरे आते हैं। और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो काम उनको बोलते हैं और उनको सुनते भी हैं। और हाँ, स्ट्रीट लाइट भी बहुत अच्छी है। अब एक नाले का खाली रिक्वेस्ट करेंगे कि ये नाले का भी अगर अपग्रेडेशन हो जाए, थोड़ा सफाई हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। आपके इलाके में जो काम हुआ है उसको लेकर काफी तारीफ और काफी प्रशंसा हो रही है समाज सेवक कमूदा शेख की। अब वो अभी तक वो समाज सेवक है, आगे आप उनको नगर सेवक नगर देखना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो नगर सेवक होंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त। भारी अच्छी से कामयाब करेंगे आप लोग? जरूर जरूर इंशाल्लाह। वो इस लायक हैं और वो काम भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। जब भी बुलाओ, कोई भी हो, कोई आम हो या खास हो, तुरंत आते हैं। और रोड का काम हो, लाइट का काम हो, पानी का काम हो, वो फौरन काम करते हैं और आते हैं। और उनके ऑफिस में जाओ तो बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, और उनके कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे से काम करते हैं।